दोस्तों, मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। तो हम बात कर रहे थे EVS की प्रैक्टिस सेट पर। कल से जो है EVS की प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुकी है। पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाकर पहले वीडियो देखें, फर्स्ट वाला, जिसमें हमने EVS के 20 क्वेश्चन पर बात किया था। आज हम जो है EVS पे 25 क्वेश्चन पर बात करेंगे, जिसमें आपका सामाजिक अध्ययन भी क्या है मिक्स होगा। ये आपका सीटेट 2023 अगस्त 20 को जो है डेट आपकी फिक्स हुई है। ये टेस्ट सीरीज जो है आपका तब तक चलेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, चैनल पर बने रहिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप जो है चैनल के साथ लगातार बने रहें और आप अपनी जो है प्रैक्टिस जो है मजबूत कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है, ये पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। राजस्थान के रेगिस्तानों में, रेगिस्तान नाम से आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि राजस्थान के रेगिस्तानों में पाया जाता है। आपका आंसर गलत हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में, ये भी गलत हो जाएगा। आबू धाबी में, ये भी गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पेड़ में जो क्या है, पानी अधिक मात्रा में पाई जाती है, इनमें पानी अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो है पानी की थोड़ी बहुत ज़रूरतें इन्हीं पेड़ों से पूरी करते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिया गया कौन सा एक जड़ों का समूह है। जड़ों का समूह में आपका शकरकंद, मूली, अदरक है, नहीं, गाजर है, चुकंदर है, मूली है। जी हाँ, गाजर, चुकंदर, मूली, ये क्या हैं, जड़ों का समूह है। लेकिन आपका जहाँ पर चुकंदर तो है बट अदरक नहीं है, आलू नहीं है, ठीक है, अदरक आलू नहीं है, गाजर है लेकिन आपका हल्दी अदरक नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपका जो है कॉलम दिया हुआ है, पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से क्या करना है, मिलाना है। तो यहाँ पे है, क्वेश्चन गलत हो गया, देखिए क्वेश्चन गलत हो चुका है, ठीक है, टाइपिंग गलत हो गई है इसमें। तो इस क्वेश्चन पे जो है हम नेक्स्ट जो है वीडियो में बात करेंगे, इसे अभी स्किप करते हैं, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन है आपका, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है। जंगली गधों का अभयारण्य आपका है गुजरात में, ये है आपका गुजरात में, ठीक है। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च ज्वर तेज बुखार। उच्च ज्वर को क्या कहते हैं, तेज बुखार। तेज बुखार के साथ कंपकपी, जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से होता है, इसका उपचार किससे होता है, सिंकोना की छाल से। कौन सा रोग है, कौन सी जो है फीवर है जिसमें सिंकोना की छाल से जो है आपका बीमारी जो है दूर करने में सहायता होती है। तो आपका इसमें है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया की जो मरीज़ होते हैं उन्हें सिंकोना के जो पेड़ होते हैं उनकी छाल का जो है, इस छाल से जो है दवाइयां बनाई जाती हैं, जो कि चिकनगुनिया के मरीज़ के लिए लाभदायक होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसे कहते हैं, तो आप देखे होंगे ध्रुव तारा कहते हैं उत्तरी तारे को, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। आप देखे होंगे कि मॉर्निंग के टाइम में और शाम के टाइम पे जो है ये तारा बहुत डार्क दिखाई देता है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ध्रुव तारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो मैग्निफिकेशन है, बायो मैग्निफिकेशन क्या है।
तो बायो मैग्निफिकेशन आपका क्या है? समय के साथ उत्तक में विषैले पदार्थ, समय के साथ उत्तक में विषैले पदार्थ की बढ़ने की सांद्रता को क्या कहते हैं? बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस जो है किसने किया? तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? एजी टांसले ने। ठीक है, एजी टांसले ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, जो है जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, इस पर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें सारी लिस्ट होंगी, आप उन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको रिवाइज हो जाए। अभी इस क्वेश्चन पे हम सिर्फ बात करते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका भारत में कहाँ पर है? ये है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। गुजरात में हमने क्या देखा? जंगली 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 गधे, अभी देखा ना हम लोगों ने, जंगली गधे गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मकर रेखा है, मकर रेखा है, चलिए, मकर रेखा आपका 23.5 डिग्री साउथ। क्या है मकर रेखा? देखिए, ये आपका मान लीजिए गोलार्ध है, गोलार्ध है, बीचों बीच से पृथ्वी को डिवाइड करने वाली कौन सी रेखा है? 0 डिग्री रेखा। आप 0 डिग्री या इसे ही विषुवत रेखा कह सकते हैं। ठीक है, या तो आप इसे विषुवत रेखा कह सकते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, तो ये क्या है? बीचों बीच से पृथ्वी को डिवाइड करता है। अब आप देखेंगे कि 23.5 डिग्री उत्तर में आपका क्या है? 23.5 डिग्री उत्तर में आपका कर्क रेखा है। आ रहा है समझ में? सॉरी, ये क्या है आपका? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर में क्या है आपका? कर्क रेखा। ये आपका हो जाएगा कर्क रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री। आप देखेंगे साउथ में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री क्या है? मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। तो क्या है, इन्होंने क्या पूछा? पूछा है कि मकर रेखा है, तो अब देखिए ऑप्शन तीसरे में देखिए, 23.5 डिग्री साउथ, यानी इसे क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के संविधान में से जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया है? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? देखिए, मौलिक अधिकार आपका लिया गया था यूएसए से, यूएसए से आपका मौलिक अधिकार लिया गया। जब सारे जो है मौलिक जो है अधिकार कर्तव्य सब ले जो है ले लिया गया, अधिकार ले लिया गया और सारी चीज़ें ले ली गई, जो है संविधान को जो है अलग अलग कंट्री से लेकर जो है क्या है बनाया गया, भारत का जो संविधान है अलग अलग कंट्री का जो है मिक्स है, तो रह गया आपका मौलिक कर्तव्य। तब ये हुआ कि अब मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया जाए, तब यहाँ पे आता है आपका यूएसएसआर, यूएसएसआर यानी रूस। रूस से क्या किया गया? मौलिक कर्तव्य लिया गया। ठीक है, रूस से क्या किया गया? मौलिक कर्तव्य लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? ठीक यानी सही है। इनमें आप देखेंगे, पहला ऑप्शन है कर्नाटक का है कथकली। क्या कर्नाटक कथकली है? जी नहीं, बिल्कुल गलत। कर्नाटक का कथक आपका कर्नाटक का नहीं, बल्कि ये कहाँ का है? यूपी का। हाँ, आपके ही यूपी का कथक, आपके यूपी का है। असम बिहू, बिल्कुल सही। बिहू कहाँ की है? असम की है।
उड़ीसा भरतनाट्यम गलत है, तमिलनाडु का लावड़ी गलत है। ठीक है, इन त्यौहार और नृत्य पे भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी, बस आप थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, तरुण भारत संघ नामक समूह जो है इस जो है संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है आपका पुरानी झीलें पुनर्निर्मित में मदद करने में। जो पुरानी झीलें हैं उनको फिर से निर्मित करने में, जैसे कि मरम्मत करना हो गया, ठीक है, तो ये क्या है, इनमें सहायता करने में जो है तरुण भारत संघ का जो है इससे संबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पर जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? यानी बोला गया है कि कौन से युग्म में पेड़ जीव जंतु दोनों मिला है, पेड़ और जीव जंतु में दोनों चीज़ मिला है। ठीक है, तो इसमें पेड़ और जीव जंतु दोनों में क्या होता है, वृद्धि और प्रजनन दोनों में होता है, जीव जंतु में भी होता है और पेड़ में भी होता है। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं, तरीके या ढंग एक ही होता है। ठीक है, तो खाना पकाने का जो है दिया गया है ढंग, तो इनमें से कौन सा होगा? देखिए, खाना क्या करते हैं, एक तो हम सेक कर खाते हैं, तल कर भी खाते हैं और भून कर भी खाते हैं, उबाल कर भी खाते हैं, गंद कर खाते हैं, नहीं भून कर खाते हैं, सही, सेक कर खाते हैं, उबाल कर खाते हैं, बेल कर खाते हैं। देखिए, आप बेलते रोटी है लेकिन वो पका नहीं होता, आप क्या कच्चा खा देते रोटी? जी नहीं, आप कच्चे रोटी नहीं खाते, आप उसे सेकने के बाद खाते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तल कर खाते हो, भिगो कर नहीं बल्कि भून कर आप खाते हो, तो ये क्या है, खाना पकाने। यहाँ पे बात की है खाना पकाना, पकाने की बात है, इसलिए हम सिर्फ पकाने की बात करेंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे आपका, सेक कर, तल कर और भून कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीता आंध्र प्रदेश जाती है, ठीक, और दो साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वही बनाई जाती है, वे क्या कहलाती हैं? आंध्र प्रदेश में साड़ियों को क्या कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश में साड़ियों को पोचमपल्ली और कलमकारी कहा जाता है। आप जब आंध्र प्रदेश, मान लीजिए नीता छोड़ दीजिए, आप अपना नाम ले लीजिए, आप आंध्र प्रदेश गए और आपने दो साड़ियाँ ली, उन साड़ी जो साड़ियाँ ली आपने, वो साड़ियाँ वहीं से जो है तैयार की जाती है खास तौर पर, तो उनका कोई खास नाम भी तो होगा, तो उन्हीं नाम पे क्या है, पोचमपल्ली और कलमकारी के नाम से जाना जाता है। जैसे बनारस की साड़ी को बनारसी साड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसी प्रकार आपका आंध्र प्रदेश की जो साड़ी है पोचमपल्ली और कलमकारी के नाम से जानी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 16, पशुओं की त्वचा पर विभिन्न प्रकार के जो पैटर्न होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, किस वजह से होते हैं, क्या कारण होता है? देखिए, इनका कारण होता है, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उनकी जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति में इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण के होते हैं। देखिए, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए, यानी उनकी त्वचा पर बालों के कारण इनके जो जो है इनके शरीर पे जो आप देखते हैं, जो पशुओं के त्वचा पर आप देखेंगे अलग अलग तरीके से इनका जो है पैटर्न बना होता है। जैसे गाय में भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक होती हैं, वाइट होती हैं, ब्लैक वाइट मिक्स होती हैं, तो इन सब क्या है, ये पैटर्न बने हुए हैं। जैसे ज़ेब्रा हो गया, ज़ेब्रा देखिए वाइट और ब्लैक में मिक्स है, आपका जिराफ हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है, इनके बालों के कारण होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग बिना पचे हुए भोजन को बड़ी आंत में पहुंचाता है? बड़ी आंत में बिना पचे हुए भोजन को पहुंचाता है, वो है आपका छोटी आंत। छोटी आंत क्या करता है, शरीर में जो
खाना होते हैं उन्हें बिना पचे हुए छोटे जो है क्या करता है जो है बड़ी आँत में पहुंचाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 18। आम तौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। जो जानवर है रात में जागते हैं तो वो आम तौर पर जिन रंग को देखते हैं वे रंग कौन से होते हैं, तो वे रंग हैं आपके काला और सफ़ेद। पशुएं क्या करते हैं, काले और सफ़ेद रंग को देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न आपका सारा प्रीवियस ईयर पे है। ठीक है, ये सारे आपसे जो है प्रीवियस ईयर के हैं और ये वही क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आ चुके हैं और जो आने की संभावना है। अदर कोई इधर उधर के क्वेश्चन नहीं हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, मैं बताऊं कि आप जाके एक बार प्ले लिस्ट देखिए, ईवीएस और ज्योग्राफी नाम से दो प्लेलिस्ट बनी है, एक शॉर्ट ट्रिक की और एक फुल वीडियो की। फुल वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने पॉइंट टू पॉइंट एग्ज़ाम के बेस पर, सीटेट के एग्ज़ाम के बेस पर ही मैंने टॉपिक करवाई हुई हैं और अभी करवा रही हूँ, पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। तो जितनी हो चुकी हैं आप जाके एक बार देखिए, आपको पसंद आएगा। और जो है शॉर्ट ट्रिक देखिए, शॉर्ट ट्रिक भी आपको जो है हर जगह घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक जगह ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप तैयारी अपनी कर सकते हैं ईवीएस की और अपनी ज्योग्राफी की। चलिए क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। अमाशय जो है हमारे अमाशय में क्या होता है, हमारे अमाशय में जो रस पाया जाता है किस रूप में होता है, वो होता है आपका अम्लीय रूप में अमाशय रस पाया जाता है हमारे पेट में। ठीक है, ये क्या करता है, भोजन को जो है पाचन करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, बगुला भैंस पर क्यों बैठता है, बगुला जब भैंस पर बैठता है तो देखिए आपका भैंस को भी सहायता मिलता है, बगुला को भी सहायता मिलता है। बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है, राइट, सहजीवी संबंध है इन दोनों में। ठीक है, ये राइट है आपका, सही है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, नहीं, कौन सा मनोरंजन इसके भैंस उस पर पीठ पर बैठ करेगा बगुला। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, क्या बगुला उड़ नहीं सकता, बगुला के खुद पैर हाथ नहीं है, पंख नहीं है, वो नहीं जा सकता, जरूर जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया, बगुला भैंस को डराना चाहता है, इतनी हिम्मत जो बगुला भैंस को डराएगा, अब भैंस ना डरा दे बगुले को। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपका आंसर जो हो जाएगा, बगुला तथा भैंस में जो है सहजीवी संबंध है। अब क्वेश्चन है आपका कैसे, देखिए भैंस के बॉडी पे जो है बहुत सारे गंदगी होती हैं। ठीक है, तो बगुला क्या करता है, उन पे जो जीवाणु होते हैं, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, भैंस के बॉडी से वो खाते हैं। ठीक है, इनसे बगुला का पेट भर जाता है। दूसरा, भैंस को जो है मदद मिलती है कि भैंस जो है उसका जो है स्किन, उसकी बॉडी जो है क्लीन हो जाती है। तो इससे क्या है, जब एक से दूसरे, जब दोनों लोगों को फ़ायदा हो एक दूसरे से, तब क्या हो जाता है, आपका सहजीवी संबंध होता है। लेकिन जब एक को घाटा हो और एक को फ़ायदा हो, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, परजीवी, यानी आप किसी एक पर डिपेंड है और जो है एक को फ़ायदा हो रहा है, एक को घाटा हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, परजीवी। हम लोग क्या है, परजीवी, हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, ऐसे तो हम मांसाहारी शाकाहारी सर्वाहारी में आते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो डिपेंड हम सब लोग पेड़ पौधे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, और जानवर भी पेड़ पौधे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसे पेड़ को थोड़ी ना फ़ायदा मिल रहा है, फ़ायदा तो हमें मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 21। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या या NCF 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती।
बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ता है। हस्तपरक क्रियाकलाप, ये तो सही है, इसने नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है। देखिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन पर ध्यान देने की। जब आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछे तो आपको सीधा क्या करना है, नेगेटिव जो है ऑब्जेक्ट पे ही, ऑप्शन पर ही जाना है। बट आपसे पॉजिटिव आंसर करें तो आपको पॉजिटिव ऑप्शन पर जाना है। अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव को नहीं देखा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वहीं से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर आप जो इसको सही नहीं कर पाओगे, ठीक है। और एक बार कन्फ्यूज़न होने के बाद हमें टाइम लग जाता है किसी भी क्वेश्चन को समझने में, और एग्ज़ाम में जो है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि हम इतना ज़्यादा जो है समझने की क्षमता नहीं रखते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, डेली प्रैक्टिस कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। और डाउट कोई हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे जो है अभी वीडियोस चाहिए, तो आप उस टॉपिक को भी बता दीजिए कि मैम जो है आप इस टॉपिक पे हमें जो है पढ़ा दीजिए, तो हम उस टॉपिक को ही सबसे पहले लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये सब आपको जो है ध्यान देने वाली बातें हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये पॉजिटिव है आपका, बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना, ये तो पॉजिटिव है पर्यावरण का। हस्तपरक क्रियाकलाप पॉजिटिव है। तकनीकी शब्दावली से परिचित और विषय अनुसार उपागम, तकनीकी शब्दावली से परिचित, यही आपका निगेटिव है। विषय अनुसार उपागम, ये आपका कहीं ना कहीं सही है। अगर आपसे जो है स्पेशल सिर्फ पूछ, अगर यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछता, अगर यहीं पे पॉजिटिव पूछता तो हमें प्रेफरेंस किसको देना होता, बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आपका डिपेंड है, क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका आंसर उसी पर डिपेंड है। ज़रूरी नहीं कि जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो वो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम आए ही। क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए होता है, एनालाइज हम लोग इसलिए करते हैं कि किस बेस पे किस तरह क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन करते करते हमारा माइंड जो है डेवलप होता है, हमें सोचने समझने की क्षमता होती है, तभी तो हम जाके एग्ज़ाम में उसी बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है, पर्यावरण की थीम या विषय वस्तु है। देखिए 2005 के अनुसार, NCERT 2005 के अनुसार पर्यावरण का जो है थीम क्या है, भोजन। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम क्या है 2005 के अनुसार, भोजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए क्योंकि अब तेल सारे तेल नहीं पड़ते, तेल का मतलब कौन सा तेल, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल। अब मिट्टी के तेल के बारे में कौन नहीं जानता होगा, सब जानते होंगे, गांव में तो जो है मिट्टी के तेल से ही तो दीपक जलाते थे, अब तो चलो लाइट जो है गाँव में आ चुकी हैं, वरना पहले जो है लाइट नहीं थी गाँव में, तो क्या होता था हम लोग जो है लालटेन होता है, लालटेन जलाते थे, उसमें मिट्टी का तेल डालकर, और जो है कांच की जो बोतलें होती थी उनको होल करके जो है उसका दीपक बनाते थे, तो मिट्टी के तेल से ही दीपक जलाते थे। तो अब क्या है, मिट्टी के तेल से जो है मच्छरों के प्रजनन की जो है रोकथाम कर सकते हैं। जहाँ पर पानी है, पानी में आप क्या करेंगे, मिट्टी के तेल को डाल देंगे, तब क्या है जो मच्छरों के अंडे होते हैं वो क्या करते हैं, अंदर डूब जाते हैं और मर जाते हैं, जिससे उनका प्रजनन जो है मच्छरों का रुक जाता है, ठीक है। जो अंडे होते हैं वो जो है विकसित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, मच्छरों तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का रोकथाम प्रजनन का जो है थम जाता है, ये आपका क्या है, करेक्ट है। क्या करता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है और प्रजनन को कम कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
24. निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहते? देखिए, अब नहीं रहते पूछा है तो आपको नहीं पे जाना है। ततैया बर्रा, ठीक है, देखते हैं। चींटी कॉलोनी में रहती है। देखिए, चींटियां जब निकलती है झुंड बना के निकलती हैं। चींटियां बिल में रहती हैं, सिंगल सिंगल चींटियां कभी नहीं रहती हैं। क्या करती हैं? झुंड बना के निकलती हैं। ततैया बर्रा यानी वो जो पीली मधुमक्खियां होती हैं उनको कहते हैं ततैया बर्रा, ठीक है। या फिर काली वाली मधुमक्खी को भी देख लेंगे। तो क्या कर, एक साथ झुंड में रहते हैं ना, छत्ते में, तो इनको भी ले लिया जाएगा। दीमक, दीमक भी आपका झुंड में रहता है, बट आपकी मकड़ी आप देखेंगे घर में कहीं जाले होंगे इस तरह के, जैसे इस तरह के जाले होंगे। देखिए, मैं बस बताने के लिए बताओ कर रही हूँ। इस तरह जो जाले होंगे तो इनमें क्या है, आप देखेंगे बहुत होगा तो एक मकड़ी, दो मकड़ी, तीन मकड़ी ऐसे दिखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि मकड़ी के कोई ग्रुप नहीं होता, इनकी कोई कॉलोनी नहीं होती, इनका कोई जो है झुंड नहीं होता है, ठीक है। तो मकड़ी क्या है, सिंगल रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है 25। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? अब नहीं है पूछा है तो जड़ का कौन सा काम नहीं है? देखिए, जड़ के सब निगेटिव पूछा है, अब हम निगेटिव पे जाएंगे। भोजन भंडारण संचित करना, ये काम है जड़ का। ह्यूमस उपलब्ध कराना, देखते हैं। पौधे को सहारा देना, जी हाँ, पौधे को सहारा देता है जड़। बिना जड़ के पौधे को सहारा कहाँ हो सकता है, पौधा खड़ा हो सकता है? नहीं। जल व खनिजों का अवशोषण करता है, राइट। पौधा क्या करता है, भोजन का भंडारण करता है, उन्हें संचित करता है, पौधे को सहारा देता है, खनिज और जल का अवशोषण करता है। जल के द्वारा ही जो है, जड़ के द्वारा ही तो जल पौधों में जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपका निगेटिव क्वेश्चन हो जाएगा, ह्यूमस। ह्यूमस ही आपका जो है निगेटिव है, तो निगेटिव आंसर आपका ह्यूमस हो जाएगा, यही आपका सही है। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप पक्का, मैं बता रही हूँ, जो है संतुष्ट होकर जाएंगे अगर लगातार आप जो है क्लासेस ले रहे हैं। तो आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।